वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स यूजिंग अ नंबर लाइन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ -2 + 6। सो सबसे पहले हमारे पास नंबर है -2, बट यहाँ पे ब्रैकेट भी है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है ओपन द ब्रैकेट। सो इससे पहले और वीडियोस हमने पहले बना रखे हैं जिसके अंदर विदाउट नंबर लाइन कैसे सॉल्व करा जाता है वो हमने सिखा रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आपको ज़रूर मदद होगी। ओके, पहला है -2। सो -2 पे आप स्टैंड हो जाएं। ओके, और +6 आपको राइट हैंड साइड, अगर पॉजिटिव हो तो हमें राइट हैंड साइड जाना होता है, नेगेटिव हो तो लेफ्ट हैंड साइड। ये सिंपल सा रूल होता है। सो राइट हैंड साइड की तरफ हम 6 जंप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो इसको सर्कल कर ले, ये आपका आंसर हो गया, आंसर इज +4। सो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जब आप नंबर लाइन बना रहे हैं दोनों तरफ एरोज हों, फर्स्ट स्टेप, ये जो गैप हैं वो इक्वल हों। मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, आप चाहे 2 सेंटीमीटर का लें या 1 सेंटीमीटर का लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट गैप इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज़, एट द एंड आपको ये एरो ज़रूर मार्क करनी है, बिकॉज इससे पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देख लेते हैं, -8 - -10। तो पहला स्टेप है ओपन द ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, -8 तो ओपन है पहले से, -10। ओके, मैंने यहाँ पे नंबर्स पहले नहीं डाले, बिकॉज ये भी बताने की ज़रूरत है कि नंबर 0 यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ, कहाँ पे हम नंबर लाइन स्टार्ट करें। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल -8 तक तो हमारी नंबर लाइन होनी ही चाहिए, थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस आपको पहले से ही मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर -8 के बाद -10 होता तो मैं सब कुछ इसी साइड बनाता, 0 यहाँ लेता और सारे नंबर इस साइड डालता। अभी क्या, -8 और +10 इस साइड, तो नंबर लाइन पे जो हम नंबर्स हैं वो हम कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं कि -8 तो आना ही चाहिए, तो हम रिवर्स चलते हैं ना, -8 यहाँ डाल देते हैं, -7 -6। कहाँ तक जाना है देखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि नंबर लाइन पे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो गलती करने से मत घबराना, गलती होगी आप इरेज करो, नंबर लाइन पेंसिल से बनाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सब कुछ देख लेने से समझ में नहीं आता। तो पहला क्या है, -8 मतलब -8 पे आप स्टैंड हो जाओ, और +10 मतलब राइट हैंड साइड आपको मूव करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एरो और ये सर्कल। सो आंसर हो गया +2। और आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे नंबर लाइन के क्वेश्चंस करते रहेंगे, सो डू वॉच देम, उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।